सभी लोग की इच्छा है कि आदेश प्राप्त करने ना स्टेट बोर्ड की तरफ से हम लोग पूरी तरह शाम को मिला भी था आदेश दिया है। हम लोग पूरी तरह से एकदम तैयार हैं कि जैसे परीक्षा के एक घंटा पहले तक भी सूचना आएगी हमको और आदेश आएगा हम परीक्षा का तिथि को बढ़ा करके सब यह हम आश्वस्त बिना वहाँ से उसका क्या सेशन तो लेट होगा ना सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा तो जो जिनका बैक रहेगा वो तो चलता है ऐसे यहाँ पे लोग भीड़ लगा के हर जगह से नहीं आते हैं। यहाँ पे तो हर बार ये भी चीज बार बार रिपीट किया जाता है। सर आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं तो अपना आप काम कर रहे हैं, हम लोग किस पोस्ट पे जाएंगे सर? एक हल्का बैठेंगे बैठ के सर इसमें हम लोग का लास्ट भी तो हराना पड़ेगा। हमको जानकारी हुई बहुत पहले ही भी थे उस दिन तुम्ही लोग जैसे पाँच छह बच्चियाँ आई थी यहाँ, जैसे ही ये जानकारी दी कि हम लोग मैथ में पास नहीं कर पाए हैं हम लोग को फिफ्थ में पढ़ना है यदि फॉर्म भरने का अलाउ दिया जाए इमीडिएट दो चार दिन हम वेट किए कि नीचे से फाइल आएगा, नहीं हुआ तो हम वो आदमी हैं जो कि फाइल को अपने से लिख के इनिशिएट किए छात्र हित में कि वो बच्चे प्रभावित नहीं। हम लोग स्टेट बोर्ड के लोग का मानना है रिजल्ट नहीं ना सर हम लोग पास आया, हम लोग एक महीना इसमें बीतते जा रहा है, हम लोग बार बार सारा प्रदर्शन नहीं ना करेंगे किसी चीज के लिए। आप मंत्री मैडम हमको बुलाया, हम मंत्री मैडम के पास गए, वहां से बोला कि नेपाल हाउस जाइए, नेपाल हाउस गए, फिर बोलते हैं कि सेक्रेटरी साहब का उस दिन से जहां से समस्या यहां नहीं नहीं हम पहुंच ही नहीं रहे तो वहां पे जाकर के बोलेंगे जो बात हमसे बोले सब जगह बोला चुका है सर। अच्छा सुनो हम आपको बोले इनको बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी का, हम सब जगह बुलवा लिए नियम से बंधे हुए हैं ना, हमको जब तक आदेश नहीं मिलेगा हम फॉर्म नहीं तो भरवा सकते हैं। सर यहाँ पे अगर हम लोग केंद्र में धरना दे रहे हैं तब लाठीचार्ज का हम लोग को धमकी दिया गया। कौन धमकी दिया? बिल्कुल दिया गया। दिया गया क्या? पीछे से बोले क्या? पीछे खड़ा है अलग हट के बात करो। सर आपकी बात नहीं है, सब प्रॉब्लम सर सब जगह हम अपना ड्यूटी करेंगे। प्रॉब्लम सब जगह बता चुका है, अपनी प्रॉब्लम बताओ हल नहीं हो रहा सर। तुम लोग बता रहे थे प्रॉब्लम हल कहाँ हो रहा सर? बताइए बात बात कीजिए। तो फिर आप बुला के बोल दीजिए डिप्टी कंट्रोलर सर को बुलाइए कि हम लोग आज नहीं करेंगे उनके पास कंट्रोलर है डिप्टी कंट्रोलर डिप्टी डायरेक्टर जी को बोल रहे हैं चुका है वहाँ पे हम लोग उनके पास भी गए परसों गए हुए वहाँ से जब बोला कि हमको फाइल बढ़ा चुके हैं सेक्रेटरी साहब को हम लोग बोल दिए हैं करने के लिए साफ बात और सेक्रेटरी साहब बोले कल फोन पे बात हुआ रिकॉर्डिंग होती तो सुना देंगे सर बोले कि आप आइए आपका नोटिफिकेशन हम लोग दे दे रहे हैं तब हम लोग आएंगे तो कोई सेक्रेटरी साहब बोले भावन से बैठिया नहीं है हम बैठे नहीं है हम बैठे नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं कि एग्जाम का एक दिन पहले भी अगर आ जाएगा तो आप उसको कर दीजिए लेकिन हाँ अब आएगा आदेश आए लेकिन यही सिक्योरिटी स्टूडेंट लोग के बीच में नहीं ना कि आ ही जाएगा यही सिक्योरिटी तो बात सुनिए आप लोग एक तरफ बोल रहे हैं कि मंत्री के यहाँ से चला गया आदेश चल मंत्री के आदेश को कोई रोक सकता है? मंत्री आदेश को कोई दबा सकता है? कहाँ किसी को हिम्मत कहाँ रहा कहाँ रुक रहा है दो बजे से आए हुए
किसी ना किसी को आदेश देते रहा कि आप इनसे बात कीजिए इनसे बात कीजिए। आप लोग एक महीना से खिचड़ी बनाए हुए हैं, आप मेरे को एक चीज बताइए कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, आपको किसका आदेश का जरूरत है? मंत्री मेरे पास आदेश की कॉपी नहीं आती, फाइल में अनुमति दी जाती है। ठीक है, हम अनुमति मांगे हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अनुमति मांगा है कि हमको अनुमति दी जाए, कि स्वीकृति दी जाए कि इन लोगों को फॉर्म भरवाने का, समझे ना। नियमावली में ये चीज नहीं था, नियमावली में संशोधित करते हुए, नियमावली में सुधार करते हुए, उसको उस नियम को शिथिल करते हुए लोगों को फॉर्म भरने का हमको आदेश दिया जाए। वो आदेश हमको मिल जाएगा तो हमको शौक है कि हम इतना हम लोग दी, अरे आप ही लोग के लिए, लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं ना, छात्र के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, छात्र के लिए काम करें। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम यही बात बोल रहे हैं, इस पर एक्शन किए हैं, ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोलते हैं, हमने उस पर कार्रवाई की है। आज भी हम आते हैं तो पूछते हैं हुआ लाएगा, जैसे ही हम आपको नोटिस देंगे सूचित करेंगे, समझे ना, सारी प्रोसेसिंग उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को जो सूचना दो तरह की, मंत्री जी के यहाँ से फाइल निकल गई है, सूचना मिल जाए तो वो आएगा मंत्री का, देखिए प्रोसेस ही आपको बता देते हैं, मंत्री जी का फाइल भी आदेश दे देंगे, वो आएगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल, उनके पास आने के बाद तुरंत उठाए क्लर्क भेजेंगे, खाली सीट कर देंगे, वो आएगा डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर क्योंकि वो भी कंसर्स है, वो भी हॉटलाइन है, वो तुरंत SBT को मार, SBT हमारे पास आ जाएगा, हमारी एक्शन शुरू अभी हम डायरेक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, एक पर्सन उनके पास किए, मैंने मान के चले कि डायरेक्टर साहब के पास बैठे हुए, उन्हीं से बात किए, हम उनसे पूछे कि सर लड़के लोग बैठे हुए हैं, सर फाइल आया कि नहीं, तो बोले कि अभी तक तो नहीं आया, अभी तक उनके पास नहीं, उनके पास आएगा तो रुकेगा नहीं। देखिए आप लोग खाली एक बार थोड़ा सा विश्वास सोचो, तुम लोग बोलती, तुम लोग मंत्री के यहाँ उनको रिक्वेस्ट करो कि मैडम आदेश, उसमें कोई पारदर्शिता नाम का चीज नहीं है, ऊपर कौन क्या कर रहा है, नीचे कौन क्या कर रहा है, सबसे नीचे आप आगे सर बोलते हैं कि हमारे पास तो ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ऊपर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप बाबू हम तो ऑर्डर दे दिए, फाइल तो बढ़ गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा, जाइए नोटिस आ रहा है, यहाँ जहाँ आपको नोटिस निकालना है आप बोलते हैं कि ऊपर से काम नहीं हुआ, हम लोग आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ जाए, अगर आपका बच्चा हम लोग है तो आप मेरा पिता से बताइए कि हम कहाँ जाए, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि हम लोग यहीं पर आएंगे और आप हम लोग बात बढ़ाएंगे, मंत्री के पास बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पूरी परीक्षा संचालित और डिग्री अवार्ड करती है, एक नियमावली के रूप में परीक्षा नियमावली, इसमें बहुत सारी लैकुनाज है, आने वाले दिनों में हम यहाँ है तो ठीक करेंगे, बहुत चीजों को देख रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ सेमेस्टर का थर्ड और फिफ्थ का एक साथ निकलता है, कॉलेज में क्या हुआ है लेटर सारी सिग्नेचर करते हैं, सारी सिग्नेचर करते हैं।
रोज चार दिन पे पांच दिन पे कोई ना कोई जाके रिक्वेस्ट करता है। 50 इतना टाइम टेकन हो गया, 50 दिन का टाइम मांगा था, उसका भी काम हो गया ना। 50 दिन का टाइम मांगा था, नोट बदलने वाला 50 दिन का टाइम सचिवालय रख दिए सर, किसी को मौका नहीं दिया।